देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टर है बोलारो पिकअप का है, स्टार्टर का प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी चालू करने जाते हो तो फिर टक 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 करके अगर चाबी घुमाते हो तो फिर इस तरीके से आवाज़ निकलता है, गाड़ी चालू नहीं होता है। अभी इसको खोलने के बाद देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अभी यहाँ पर देखिए, इसको बिल्कुल पूरा का पूरा खुल चुका है। अभी यहाँ पर देखिए, मैकेनिक ने बताया है कि इसका जो प्रॉब्लम है इसका स्विच का है। ये रहा इसका स्विच। अभी इसको सही करने के लिए इसका जो स्विच है, स्विच को चेंजेस करना होगा। अभी दूसरा एक चीज़ है, इसको घुमा घुमा के फ्री कर रहा है। फ्री करने के बाद इसको साफ़ करेगी, साफ़ करने के बाद फिर से इंस्टॉल किया जाएगा। आप लोग देखते रहिए। अभी यहाँ पर देखिए, ब्रश और फैट टूल का मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सफाई किया जा रहा है। अभी देखिए, इसको फिर से लगाया जा रहा है। देखिए, इस पर ग्रीस लगा रहा है। ग्रीस व्रीस लगाने के बाद इसका जो पूरा सामान है फिट किया जाएगा। ये देखिए, ग्रीस लगा रहा है। ग्रीस व्रीस लगाने के बाद इसको फिर से फिट किया जाएगा इस पर। इसका एक्चुअली इसका जो स्विच है, स्विच का पिस्टन है छोटा वाला हिस्सा। देखिए स्टार्टर पर यहाँ पर देखिए गियर भी होता है।
ये रहा इसका स्विच का पिस्टन, मीडियल पे एक रबर का ज़रूरत है इसलिए लगा रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये रहा इसका स्विच, इन्हीं स्विच को चेंजेस किया है अभी। ये स्विच को नया नहीं डाला है, स्विच को पुराना डाला है दूसरा गाड़ी का अच्छी वाला, ताकि ज़्यादा महंगा नहीं पड़ जाए इसलिए। अगर आप लोगों ने नया लगाने जाओगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा लग जाएंगे। मैकेनिक बोलता है कि ये जो स्विच है नया से भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये स्विच बड़ी गाड़ी का है, इस गाड़ी पर लगा रहा है इसीलिए। अभी स्विच का जो नाट है इसको टाइट किया जा रहा है। अभी देखिए, अभी इसका गियर का जो फिनियम है वो लगाया जा रहा है। गियर इसलिए लगाता है ताकि जो स्टार्टर है ज़्यादा ताकत से इंजन को घुमा सके।
देखिए स्टार्टर कंप्लीट बन चुका है, रेडी हो चुका है गाड़ी पर लगाने के लिए, लेकिन अभी इसको पहले चेक किया जाएगा स्टार्टर काम करता है या फिर नहीं। देखिए चल रहा है, चेक हो चुका है, अभी इसको गाड़ी पर लगाया जाएगा।